नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सोचो, आपने आज कोई आईफोन 13 परचेस किया 80,000 रुपए में और 3 महीने के बाद उसकी कीमत हो जाती है 60,000 रुपए, तो आपको कितना बुरा लगेगा, आपको गुस्सा आएगा कि आप 3 महीने के लिए आपने वेट क्यों नहीं किया, आपको 20,000 रुपए सस्ता मिल सकता था। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपको 3 महीने के बाद भी आपके 20,000 रुपए रिफंड मिल जाएंगे तो शायद आपको भरोसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा सच में हो सकता है। ये फैसिलिटी आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी देती है और कुछ चुनिंदा डेबिट कार्ड कंपनी देती है। ये आपको फाइंड आउट करना रहेगा क्या आपके क्रेडिट कार्ड में ये फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी का नाम होता है प्राइस प्रोटेक्शन बेनिफिट। इसमें क्या होता है, किसी भी सामान जो आपने परचेस किया उसका प्राइस अगर 3 से 4 महीने में ड्रॉप होता है तो आपको उस प्राइस के डिफरेंस का रिफंड आपके क्रेडिट कार्ड में मिल जाता है। अब ये 30 दिन से 90 दिन का हो सकता है, 30 दिन से लेके आपको 120 दिन के अंदर का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट कार्ड कितने दिन का बेनिफिट आपको दे रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको ये बेनिफिट सेम मर्चेंट से मिलेगा। अगर आपने अमेजोन से कोई भी सामान परचेस किया उसकी वैल्यू आपको 1 महीने बाद फ्लिपकार्ट पर दिख रही है कम, तो आप फिर भी प्राइस प्रोटेक्शन क्लेम को फाइल कर सकते हैं और अपना जो डिफरेंस होता है उसका रिफंड ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना रहेगा कि आपको कौन से क्रेडिट कार्ड के अंदर ये फैसिलिटी मिलती है। अगर आपके पास वो क्रेडिट कार्ड है जिसके अंदर आपको ये फैसिलिटी मिलती है तो आप जब भी कोई ऐसी परचेज कर रहे हैं जिसके प्राइस के ड्रॉप होने की संभावना है तो आप उसी क्रेडिट कार्ड से करिए जिसके अंदर ये फैसिलिटी है। जब प्राइस ड्रॉप हो जाता है तो सबसे पहले आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना है और उनको स्टेटमेंट बताना है कि आपकी कौन से स्टेटमेंट में कौन सी डेट को आपने ये सामान खरीदा था, उसकी वैल्यू से मैच कराना है और आपने जो सामान खरीदा है उसका जो टैक्स इनवॉइस होता है उसकी वैल्यू मैच करनी चाहिए आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में और आपके टैक्स इनवॉइस में। उसके बाद आपको बताना है कहां पर आपको प्राइस कम इसका मिल रहा है, तो आप उनको बोलेंगे इस जगह पे आपको प्राइस कम मिल रहा है तो आप उस प्राइस का डिफरेंस जो है आपको रिफंड कर दिया जाएगा। प्राइस प्रोटेक्शन का बेनिफिट अब तक सारे क्रेडिट कार्ड देते आए थे लेकिन कुछ समय पहले से इसको चेंज कर दिया है और कुछ चुनिंदा क्रेडिट कार्ड ही आपको ये बेनिफिट देते हैं। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप क्लेम फाइल करने से पहले चेक कर लें कि आपका क्रेडिट कार्ड में ये बेनिफिट है। आप इसके लिए कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं और आप उनसे पूछ सकते हैं क्या आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उसमें प्राइस प्रोटेक्शन का बेनिफिट आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें नई टेक्निक।